तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FEA फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बहुत ही शानदार बनाई थी, और इस वीडियो को बनाने की मेरा मकसद क्यों है, क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई किए हैं। इवन जो भी स्टूडेंट इसकी इंपॉर्टेंस जान चुके हैं वो स्टूडेंट इसमें ज़रूर अप्लाई किए हैं, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे क्वालिटी एंड प्रोडक्टिव सारी चीज़ें आप चेक किए थे, और ये भी चेक किए थे कि इसमें स्कॉलरशिप के बदौलत आपको क्या क्या दी जाने वाली है। मतलब कि आपको एक रुपये भी अपने जेब से नहीं देना है, जो भी खर्च आपको लगती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे FEA फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एंड एक्सीलेंस एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने काफ़ी डिस्कशन किया था, और इसकी लास्ट डेट 30 जून 2023 है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो क्लिक हियर पे जाके आप रजिस्टर करके फिर आप अप्लाई कर दीजिए। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है और इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो चीज़ें आप जान लीजिए दोस्तों। ये स्कॉलरशिप में जैसे आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद से फाइनली आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद से अगर उसमें आप सब कुछ यहाँ पे बढ़िया से क्लियर करते हो, देन आपको एक मेल आएगा आपके इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, कौन से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बना के लाया हूँ आपके लिए, तो वो क्वेश्चन एक बार आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं क्वेश्चन एक बार कलेक्ट करके और इनकी वेबसाइट और फीडबैक और रिव्यू सेक्शन से जाके काफी एनालिसिस करके ये क्वेश्चन में ले आया हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन को जनरली आप सभी अगर आप अभी से बैठोगे करने तो डेफिनेटली कर लोगे, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ टिप्स होती है किस तरीके से जो इंटरव्यूअर है वो आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है कि क्या सच में जो भी हमारी फाउंडेशन स्कॉलरशिप इस बंदे को दे रही है वो दिस इज राइट पर्सन और नॉट। ओके, सो इस तरीके की वो टेस्टिंग करती है, और ये टेस्टिंग होली पूरी आप पे डिसाइड करती है आपके आईक्यू लेवल पे आप किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करते हो। हालांकि जितने क्वेश्चन हमारे पास अभी अवेलेबल है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप न जानते हो, लेकिन किस तरीके से देना है, कैसे देना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। और दूसरी बात ये चीज़, अगर मैं इसका आंसर इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे बाय द टेक्स्ट के थ्रू मैं यहाँ पे दे दूँ आपको, या फिर टेक्स्ट करके टेलीग्राम में पेस्ट कर दूँ कॉपी पेस्ट करके, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो गूगल से भी आप करते हो इवन मेरा आंसर नहीं, तो भी यार आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर आपका हो सकता है कि सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कुछ नोट डाउन किया है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रहे अगर आप कोई भी प्राइवेट स्कॉलरशिप भरते हैं जिसमें आपका इंटरव्यू प्रोसेस है, जिसमें आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है, चाहे HDFC की स्कॉलरशिप हुई या फिर बडी फॉर स्टडी के जितने भी प्राइवेट फाउंडेशन वाली स्कॉलरशिप हुई, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन कॉमन होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, और डेफिनेटली 50,000 तक से भी ऊपर आपको अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपने एंडिंग से जिस लेवल पे हैं आप उस लेवल पे अपने अकॉर्डिंग आपको अपने बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मतलब आपकी ऐसे स्ट्रेंथ आपको ऐसे बताना है कि जो भी चीज़ें पॉजिटिव वे में रहे, और वीकनेस आपको ऐसा बताना है सपोज डैट कि ऐसा नहीं है कि आप सच में वीक हो, आप ये मत बताना कि मैं आलसी हूँ इस तरीके से कुछ भी नहीं, ऐसा चीज़ बताना वीकनेस। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आई एम वर्क एज ए टास्क बेसिस नॉट टाइम बेसिस, मतलब मैं टास्क बेसिस, मुझे कोई टास्क मिल जाए उस बेसिस पे काम करता हूँ, और टाइम बेसिस ऐसा नहीं है कि मुझे 10 घंटे मिले, 10 घंटे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ कंप्लीट नहीं हुआ, 10 घंटे कंप्लीट हुए तो मैं उठ के चला गया। तो इस तरीके से कुछ ऐसी कमियां बताना आपकी, वो कमी ना रहे, बेसिकली वो आपका एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, ताकि वो सामने वाला इंटरव्यूअर आपके माइंड को ये पकड़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक दैट वी शुड गिव यू द स्कॉलरशिप ओनली। एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ ये स्कॉलरशिप आपको ही क्यों मिले, क्यों हमारे पास इतने सारे एप्लीकेंट्स आए थे, इतने सारे एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, आपको क्यों लगता है कि ये स्कॉलरशिप आपको ही मिलनी चाहिए। तो उस समय आपको अपनी नीड बतानी चाहिए, जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास फीस नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, ये वो, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे अपने एकेडमी लेवल को, सपोज रेट आपका बढ़िया परसेंटेज आया तो आप ये सोचना कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरा परसेंटेज भी देख लीजिए, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी आप थोड़ा सा यहाँ पे आप उनको बता सकते हो कि इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप उनको आंसर करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसा नहीं कि आप बोल दो मैं बहुत गरीब हूँ और गरीब हो और परसेंटेज बिल्कुल लो है तो कोई नहीं पूछता है। आप मेहनती हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब कोई आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो डेफिनेटली इस तरीके को अपनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज़ योर गोल। अब गोल, ये सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप जो भी चीज़ें हैं वो बना लो, जो भी
जब भी आपका इंटरव्यू हो तो सामने एक काम करना, या तो जो भी आंसर हो पहले से वेल प्रिपेयर्ड करके कॉपी पे नोट कर लेना फिर आप बोलना, या फिर जब इंटरव्यू देना तो सारे क्वेश्चन के आंसर खुद जो बोले हो वो रिकॉर्ड कर लेना। कभी ऐसी चीजें होती है एप्लीकेशन फॉर्म में आप कुछ और फिल किए हो और यहाँ पे बोलते कुछ और हो, तो इस तरीके से आप दूसरे को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इंटरलिंक होना चाहिए एक दूसरे जो भी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप, आपका गोल क्या है, तो गोल कुछ आप ऐसा बताना, ऐसा चीजें आप गोल यहाँ पे बताना ताकि आपको ये पता चल जाए, उनको ये पता चल जाए जो भी हमारे इंटरव्यूअर है कि ये बंदा का जो गोल सेट है, इसके माइंड में जो गोल सेट है, जो माइंडसेट बनाया है, वो उस माइंडसेट के लिए इसको मनी की रिक्वायरमेंट है, मनी इन द सेंस इसको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, और इसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं है कि इसको इतनी मनी प्रोवाइड कर दे। तो ऐसे में कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन उनके सामने क्रिएट करना, कुछ ऐसे रियल सिचुएशन क्रिएट करना है ताकि उनकी जो इंटरव्यूअर की जो माइंड है वो आपके प्रति बनी रहे कि स्कॉलरशिप इस बंदे को देना है। फैमिली इनकम क्या है, तो फैमिली इनकम आपको तो यहाँ पे आपको रईसी आपको दिखानी नहीं है, आपको अपना एवरेज बताना है, मतलब एकदम लोवेस्ट भी नहीं और एकदम हाई भी नहीं, मीडियम भी नहीं, मीडियम से हल्का सा कम आपका रहे तो सही रहेगा। अब फादर यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज़ योर फादर, आर छूट गया है सॉरी, फादर्स का प्रोफेशन आपको बताना है। अब ये नहीं बिजनेसमैन बता दिए, फार्मर भी बता सकते हैं नॉर्मली, ओके। और यहाँ पे पूछा जाएगा फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बता सकते हो कि हमारे दो भाई है एक बहन है, जितने भी आपके भाई बहन है उनकी खर्चा कौन देखता है। अब आपको अंकल के बारे में नहीं बताना, आंटी के बारे में, भले आपकी फैमिली कंबाइंड फैमिली हो, आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बताना है और उनके कैसे पढ़ाई मैनेज होती है, कौन क्या कर रहा है, किनकी अभी शादी हो, ये सारी चीज़ें आप बताना, उनके सामने कुछ ऐसा रियल सिचुएशन आपको क्रिएट करना है कि उनको लगे कि हाँ इसको मनी की बहुत ज़रूरत है, इन फ्यूचर अगर इसको मनी नहीं मिलती तो हो सकता है कि इसकी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू ना हो पाए। तो इस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, व्हाट विल यू डू विद दिस स्कॉलरशिप, मतलब कि ये स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलेगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे करके बताना है कि इस स्कॉलरशिप से आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू दिस स्कॉलरशिप। सपोज डेट आपको, सपोज डेट 50,000 की स्कॉलरशिप है, मैंने आपको 50,000 दे दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि 50,000 का आप बोले कि मैं लैपटॉप खरीदूंगा, मैं गेमिंग लैपटॉप या कुछ भी या फ़ोन खरीदूंगा या कुछ भी, आप ये कह सकते हो कि मैं उस पैसे का ये मतलब फीस डिपॉजिट करूंगा, कोचिंग करूंगा और फिर जो भी पैसे बचेंगे बैंक में रखूंगा, फिर इन फ्यूचर अगर उसका यूज़ करूंगा, मतलब इस तरीके से आप अपने पैसे को सारी चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट करके एक सामने रियलिस्टिक पिक्चर उनके सामने क्रिएट कर दोगे तो ये आपके चांसेस हाई हो जाएंगे। और पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि अगर स्कॉलरशिप मिले तो जो भी आपकी प्लान्स है तो आप कैसे कंप्लीट करोगे, आपके पास तो मनी नहीं है, ऑलरेडी आपने बता दिया कि वी आर नॉट सफिशियंट फॉर पे दिस टाइप ऑफ कोर्सेस, ओके। तो आपको उसके सामने ऐसे बताना है, आप वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक आपकी सोच थी, आपकी ड्रीम थी, लेकिन वहां तक जरूर पहुंच पाओगे जो उसके पैरेलल हो, मतलब कुछ ऐसा रियलिस्टिक आपको पिक्चर करना है कि मैं लोन लेके या फिर किसी से जैसे कि इंटरेस्ट पे अमाउंट लेके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, बाकी अपनी मर्जी, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेरा जो ड्रीम है उसको अचीव करूँ। और हाँ, अगर आपकी स्कॉलरशिप यहाँ से मिल जाती है तो ये जो हमारा फाइनेंशियली जो टेंशन रहेगा ये हट जाएगा ताकि मैं अपनी फील्ड पर और फोकस कर पाऊँ, इस तरीके से आपको आंसर करना है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 है, एनीथिंग यू वॉन्ट टू अस आस्क, मतलब हमसे कुछ पूछना चाहोगे, तो ये क्वेश्चन यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आपको पूछना हो तो पूछना, नहीं होगा तो मत पूछना, या फिर ये बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही नहीं है, ये आपको पूछना है कि सर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाता है उसके साथ फाइनली क्या चैलेंजेस रहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। और इससे रिलेटेड और भी आंसर जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पे मैं एक गूगल मीट ऑर्गेनाइज करूँगा शाम को 7 PM पे, जितने भी प्राइवेट स्कॉलरशिप है उन सभी को कवर करने के लिए। तो यार आप वहाँ से गूगल मीट में ज्वाइन होकर जितनी भी चीज़ें होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ सेशन होगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें कवर कर पाओगे, बाकी मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर दी है। तो इसको ज़रूर आप जाके अप्लाई करिए जितने भी प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, क्योंकि यार NSP से मत सोचो, NSP बहुत लेट पेमेंट दे रही है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।